तो दैट इज योर मल्टी टास्किंग प्रोसेस। और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी टास्क में आप वन टाइम पे ही पैरेलल टास्क कर रहे हो, ओके? पर मल्टी थ्रेड में आपका वन प्रोग्राम है, जो एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो उसका जो सब पार्ट है, जो सब मॉड्यूल है, वो भी रन हो रहा है। मतलब एक प्रोग्राम को अगर मैं मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और उन्हें पैरेलली रन करने की आजादी दे दूं। मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम है वॉच का, इसमें एक आर सॉरी एक आर वाला पार्ट होगा, एक मिनट वाला पार्ट होगा और एक सेकंड वाला पार्ट होगा। तो ये एक प्रोग्राम है, जब आप वॉच क्रिएट कर रहे हो, दिस इज योर वन प्रोग्राम, राइट? इसमें टाइमर प्रोसेस हो रहा है, तो ये एक थ्रेड है, दिस इज वन थ्रेड, दिस इज अनदर थ्रेड और दिस इज अनदर थ्रेड। दिस इज इन एवरी सेकेंड मूविंग, ये पार्ट जो है हर एक सेकेंड में मूव करता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे ये 60 हो जाएगा तो मिनट मूव करेगा वन टाइम, तो ये प्रोसेस वन टाइम मूव करेगी। देन इसके बाद ये वाली थ्रेड, जब ये 60 हो जाएगी तो ये वाली थ्रेड मूव करेगी। तो देखा जाए तो प्रोग्राम एक ही है, दिस इज योर कंप्लीट वन प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर तीन थ्रेड्स हैं जो रन हो रही हैं कंटिन्यूअसली, एक है सेकंड की, एक है मिनट की और एक है आवर्स की। तो जब हम एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो आपका थ्रेड कहलाता है, जो वो एक पर्टिकुलर पार्ट है थ्रेड कहलाएगा। ओके, इतना क्लियर है? यस सर। एनी डाउट यहां पर? किसी को इतना इस बेसिक चीज में किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं है? ओके, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होती है। एक चीज प्रोसेस कहलाती है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, व्हाट इज प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस मल्टी थ्रेड आपने पढ़ लिया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बताइए प्रोसेस क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस? अंकुर आप बताओ। अंकुर अंकुर है? अंकुर या नहीं है? अच्छा चलो, हिमांशु बताएगा, हिमांशु राजपूत आप बताइए। सर, जो प्रोसेस होता है वो जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसका एक इंस्टेंस होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता चला जाता है, जिसमें कि मल्टीपल ओके, थ्रेड हो सकते हैं। जिसमें मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। ओके, कोई और इसे बताना चाहेगा इसके अलावा? युक्ता आप बताइए। युक्ता, व्हाट इज प्रोसेस? सर जहाँ पे युक्ता, हमारी स्टेटमेंट, सर सर बोलिए प्रोसेस वही बोलिए। हो गया, जो प्रोग्राम में हमारी स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो रही है उसे प्रोसेस कहेंगे। ओके, बिल्कुल सही बात है, पर प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टेट। एक प्रोग्राम अगर आपके सिस्टम पे पड़ा है तो वो प्रोसेस नहीं है। जैसे आपके सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, टीम भी है, टीम्स नाम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हो सकता हो, जरूरी नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, पीपीटी, ये सब आपके प्रोग्राम्स हैं जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है। पर प्रोसेस कौन सा वाला है जो रन हो रहा है? जैसे अभी के केस में आपके सिस्टम में ब्राउजर हो सकता है जो रन हो रहा होगा, तो जो ब्राउजर है क्रोम, वो आपका क्या है, प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है? क्योंकि ये अभी रन हो रहा है, आपने इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर दिया। तो अगर कोई भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो तो रनिंग स्टेट में एक प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं। ओके, और प्रोसेस कैन बी ओनली वन थ्रेड और कैन बी मल्टीपल थ्रेड। एक ही प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल थ्रेड बेस्ड भी होता है और वन थ्रेड भी होता है। हर प्रोग्राम में एक थ्रेड जरूर होती है, कोई भी प्रोग्राम अगर है तो उसमें एक थ्रेड जरूर है। वो थ्रेड क्या है? आपकी मेन, मेन से ही आपका प्रोग्राम रन होना शुरू होता है ना, तो मेन इज योर मेन थ्रेड। ये चलता रहेगा जब तक आपका मेन थ्रेड खत्म नहीं होगा, तब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, प्रोसेस एंड नहीं होगी। तो अगर आप इसी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। पर कैसे करते हैं वो हम
हैंडलिंग में सीखेंगे, थ्रेड वाले पार्ट में सीखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? प्रोसेस समझ में आ गया आपको? जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी प्रोसेस है या मल्टी थ्रेड है? जिससे पूछो वही बताइएगा। चलो कौन बताएगा देखते हैं। मनस्वी, विंडोज आपका मल्टी थ्रेडिंग है या मल्टी प्रोसेसिंग है? मनस्वी, ओके, नो रिस्पॉन्स। तुषार, आपको जो लग रहा है आप बता सकते हो, जो भी नहीं है आपको करेक्ट बताना है। तुषार सर, मल्टीप्रोसेस। मल्टीप्रोसेस, ओके गुड, मल्टीप्रोसेस। तुषार मल्टीप्रोसेस, गुड, ओके। शुभांशु, कितनों को लगता है सिर्फ मल्टीप्रोसेस है? सभी को? जिसको नहीं लगता वो बताना। आदित्य, आप बताइए। सर मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग होगा सर। दोनों ही है, मल्टी प्रोसेस भी है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को भी रन कर सकता है, क्योंकि आप अपने सिस्टम पे देखिए अभी भी दो तीन प्रोग्राम एक साथ आप पैरेलली रन करते हैं, दैट इज मल्टी प्रोसेस पार्ट। और मल्टी थ्रेड मतलब एक ही प्रोग्राम मल्टीपल थ्रेड्स में भी होता है, तो मल्टी थ्रेडिंग भी है। तो विंडोज आपका दोनों ही है, मल्टी प्रोसेस भी है और मल्टी थ्रेड को भी सपोर्ट करता है। ओके, क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है तो पूछिए। ओके आगे चलते हैं। मतलब सर थ्रेड में डाउट है सर, थ्रेड क्या होता है वो क्लियर नहीं है अच्छे से। गुड, बोलो। थ्रेड एक प्रोग्राम का एक सब पार्ट होता है, जो एक प्रोग्राम है उसका एक सब पार्ट है जो इंडिपेंडेंटली रन हो रहा है, ठीक है। जैसे आपके प्रोग्राम में मल्टीपल पार्ट्स हैं और आप चाहते हो उन्हें एक साथ पैरेलली रन करना, तो वो आप थ्रेड के बेस पे डिवाइड कर दोगे। जैसे आपके गेम में सबसे ज्यादा थ्रेडिंग यूज होती है, अगर आप एक कोई भी गेम देखते हो, मान लो आप मारियो ही देख रहे हो, तो मारियो में आपके प्लेयर जो है वो आपके कंट्रोल में होता है, राइट? प्लेयर में जब आप कीज यूज करोगे तभी वो मूव करेगा, पर जो आपके बैकग्राउंड इमेजेस हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, और जो आपके बाकी प्लेयर्स हैं उनका कंट्रोल आपके में नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, राइट? दैट इज योर पार्ट ऑफ थ्रेड। एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल चीजें रन हो रही हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ चीजें तो आपके कंट्रोल में है, जब आप इनपुट दोगे तब रन होगा। जैसे आप कार का अगर कोई गेम खेल रहे हो जिसमें मल्टीपल कार्स हैं, ठीक है, तो अगर आप अपने प्लेयर को मत टच कीजिए, आप रन मत कीजिए, जस्ट बाकी सारी कार्स को रन करने दीजिए, तो बाकी सारी कार में से क्या हमेशा जो फर्स्ट कार है वही आउटपुट रन आती है? एक ही कार हमेशा जीतती है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होता सर। नहीं समझ में। मैं ये कह रहा हूँ आप एक प्रोग्राम है उसे आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उनमें से उन्हें आपस में रन करने दीजिए पैरेलली, दैट इज थ्रेड। इतना समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है, थ्रेड में डाउट है या आगे आगे के पॉइंट में डाउट है? थ्रेड क्लियर है या नहीं है सर? थ्रेड सर यहाँ पे सर एक लाइन जो सर हिमांशु ने बोला था सर कि प्रोसेस मतलब एक इंस्टेंस एक प्रोग्राम का जो कि रन किया जाता है बाय थ्रेड, मतलब एक या एक से ज्यादा थ्रेड उसको रन कर सकते हैं सर। और सर आप ये बता रहे हैं कि जो थ्रेड है हमारा वो सब पार्ट है प्रोग्राम का है। मैंने तो पूछा था ना हिमांशु आप बताओ, वैसे मैंने प्रोसेस पूछा था हिमांशु से, हिमांशु ने वो चीज बताई थी व्हाट इज प्रोसेस। यस सर, तो उसमें से उसने कहा था कि प्रोसेस को रन थ्रेड कर। नहीं नहीं, तो मैंने ये नहीं कहा ना, उसने ये कहा सही बोला है। यस सर, मैं तो बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मैंने प्रोसेस भी बताई, प्रोसेस क्या है बताया था कि एक प्रोग्राम जो रनिंग स्टेट में है उसे हम प्रोसेस कहते हैं, और प्रोग्राम के अंदर सब पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, अगर मल्टीपल पार्ट्स जो इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं वो थ्रेड कहलाते हैं। ओके ओके सर।
सर और सर जो हमारे जो सीपीयू में होता है कि सर 6 कोर 12 थ्रेड्स, ये क्या होता है सर? वो थ्रेडिंग है, थ्रेड मैनेजमेंट प्रोवाइड ये अलग चीज होती है या फिर ये भी सेम ही होती है? ये थ्रेड हाँ बोलिए। सर जो जैसे जो आपने सर थ्रेड बताया कि थ्रेड हमारा सब प्रोग्राम होता है एक प्रोग्राम का, तो सर जो सीपीयूज में होता है 6 कोर 12 थ्रेड, तो सर वो 12 थ्रेड जो होते वो हो तो यानी कि सर प्रोसेसर वो होते हैं, 12 अलग अलग सब प्रोग्राम? यस सर। वो पढ़ रहा व्हाट व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग 12, नॉट 12 थ्रेड। एक ही प्रोग्राम में 50,000 थ्रेड्स रन होती है। अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आप एक काम करिए, टास्क मैनेजर ओपन कीजिए और उस प्रोसेस के थ्रेड पार्ट को देखिएगा, आप देखेंगे कई थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स रन हो रहे होते हैं। ओके तो वो 12 मतलब वो नहीं यस होता, सर। थ्रेड को हैंडल करने के लिए आपने प्रोसेसर लगा रखा है। मल्टीपल प्रोसेसर भी होते हैं, मल्टीपल थ्रेड हैंडलर भी होते हैं, तो वो चीज। ओके थ्रेड के केस में कोई डाउट है किसी को? थ्रेड क्या होती है? थ्रेड पार्ट में क्लियर है तो यहाँ पे सर हमारी थ्रेड प्लेयर है सर। ओके बस वही बताया था मैंने अभी तक, प्रोसेस और थ्रेड। ओके सर। जावा इज मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक प्रोग्राम को मल्टीपल थ्रेड के अंदर डिवाइड कर सको और थ्रेड को हैंडल कर सको। ठीक है, आगे वही लिखा है, विच मीन्स वी कैन डेवलप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम यूजिंग जावा। अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कंटेन्स टू और मोर पार्ट्स दैट कैन रन कॉन्करेंटली एंड ईच पार्ट कैन हैंडल अ डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम ऑफ मेकिंग ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, स्पेशली व्हेन कंप्यूटर हैज मल्टीपल सीपीयूज। ओके इतना क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, कोई भी पार्ट में डाउट है तो बताओ, इस पूरी लाइन में कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो बताओ, ये क्लियर है सर। बाकी सबको भी होने दो। औरों को क्लियर है सबको? किसी को डाउट? यस सर। सबको क्लियर है, गुड, होपफुली यस। ओके तो बेसिकली मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है और इसका यूज करके हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बना सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है कि जिसके जिस प्रोग्राम के पास उसे डिवाइड किया हो टू और उससे ज्यादा पार्ट्स में और वो पार्ट्स पैरेलली रन हो सके। ठीक है, इसके बाद आगे उसी चीज को एक्सप्लेन कर रखा है, बाय डेफिनेशन मल्टीटास्किंग इज व्हेन मल्टीपल प्रोसेस शेयर कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज सच एज सीपीयू। मल्टी थ्रेडेड एक्सटेंड द आइडिया ऑफ मल्टीटास्किंग इनटू एप्लीकेशंस वेयर यू कैन सब डिवाइड स्पेसिफिक ऑपरेशंस विद इन अ सिंगल एप्लीकेशन इनटू इंडिविजुअल थ्रेड्स। ये भी क्लियर है? यहाँ पे दो चीजें डिफाइन की गई हैं, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग में मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं जिन्हें आप जिसमें आप सीपीयू को शेयर कर रहे हो और कॉमन रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो। मल्टी थ्रेडिंग जो है वो मल्टीटास्किंग के आइडिया को ही एक्सटेंड करता है, वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पार्ट्स को भी डिवाइड करके रिसोर्सेज को शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो पैरेलली रन होते हैं। इतना क्लियर है सबको? यही लिखा है इस पूरी कहानी में, यही लिखा है। एनीवन डाउट? यस सर। किसी को डाउट है तो बताइए प्लीज। सर ये जो आप एमएस वर्ड वगैरह जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे वो क्या था? एमएस वर्ड प्रोग्राम है ना आपके सिस्टम में, होता है नहीं होता है? हाँ। तो वो प्रोग्राम है, यही बता रहा था कि ये प्रोग्राम पड़े हुए हैं आपके सिस्टम में, मेरे सिस्टम में भी पड़े हुए हैं, आपके सिस्टम में भी पड़े हुए हैं, पर वो प्रोग्राम है, वो प्रोसेस नहीं है। और प्रोसेस वो जब तक नहीं है जब तक आप उन्हें रन नहीं करते। जैसे ही आप उन्हें रन करते हो तो वो आपकी मेमोरी में लोड हो जाते हैं और वो एज ए प्रोसेस कहलाते हैं। तो आपने अगर 3 प्रोग्राम एक साथ रन करे हुए हैं तो आपका सिस्टम 3 प्रोग्राम प्रोसेसेस को रन कर रहा है एक साथ, वो ये चीज बता रहा था। तो इसलिए ओके विंडोज सर। जो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग पार्ट है, मल्टीपल प्रोसेस को हैंडल करता है। और हो सकता है आपने कोई ऐसा प्रोग्राम भी रन किया हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स रन हो रही हैं, तो जो मल्टीपल थ्रेड्स रन हो रही हैं इसलिए वो उन्हें भी हैंडल कर रहा है, इसलिए विंडोज दोनों है, मल्टीपल प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस और मल्टी थ्रेड।
एनीथिंग एल्स? कोई और डाउट है इसमें शिवम? नहीं सर. ओके, नाउ दिस डायग्राम रिप्रेजेंट थ्रेड लाइफ साइकिल. बोलिए सर. मल्टीपल थ्रेड्स की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि हम मल्टीपल थ्रेड्स को फ्रीली रन कर सकते हैं विदाउट एनी इनपुट, और एक सिंगल थ्रेड को हमें इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा. एक बार बताओ, दोबारा दोबारा बोलो. सर हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मल्टीपल थ्रेड्स हैं जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हमें उसके लिए बार बार इनपुट नहीं चाहिए. हमने उसकी पूरी कोडिंग कर रखी है और कुछ चीजों के लिए हमें बस इनपुट देना पड़ेगा. तो वो फ्रीली रन होंगे कि उसके लिए हमें कुछ अलग से? फ्रीली रन होंगे. ठीक है. हेलो. और 60 मिनट के बाद एक आर होगा. क्लियर है? तीन थ्रेड मान लो, तो तीनों थ्रेड आपस में सिंक्रोनाइज. सर आपके वॉइस नहीं आई कि एक चलेगी, जब उसका खत्म हो जाएगा फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी. सही है, बात समझ में आ गई? पर अगर आपने तीन आपने एक रेस गेम सर आपकी काफी देर से वॉइस ही नहीं आ रही थी सर. आपने यूजर के कंट्रोल में प्रोवाइड कर दी. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. टर्म लॉजिक पे को इंडिपेंडेंटली रन करना है या इंडिपेंडेंटली? हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही सर. सर कुछ सुनाई नहीं दिया जब भी नेट चला जाता है क्या बार बार. हेलो. यस सर आई एम.
हाँ जी, क्या डाउट था आपको? कुछ कह रहे थे आप दीपक? अभी आवाज आ रही है? हेलो सर, अभी आए आप? हाँ, बीच में मैं चला गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था ना, कॉलेज का नेटवर्क है आज, भूल गए तुम लोग। एक दिन कभी कभार कॉलेज में आते हम। कोई नहीं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अभी तक आवाज आ रही है आप लोगों को, राइट? यस सर। हाँ तो लास्ट आपने क्या सुना था वो बता दीजिए, आई विल कंटिन्यू वहां से। सर वो जो आपने पिक डिस्प्ले की थी ना, उसके बाद से आवाज ही आपकी चली गई थी। पर उसके बाद तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था, उस पिक के बारे में नहीं बोला मैंने, आपने कोई डाउट पूछा था। यस सर, हमने किसी ने डाउट पूछा था ना। यस सर, यस सर, पूछो। फ्रीली रन होने वाली बात थी सर, थ्रेड फ्रीली रन हो सकती है? हाँ, थ्रेड एक्चुअली आपके कोड के ऊपर डिपेंड करती है कि वो फ्रीली रन आप करना चाहते हो या पार्शियली रन करना चाहते हो, मतलब डिपेंडेंट करना चाहते हो सिंक्रोनाइज्ड वे में, कि वन इनपुट एक एक थ्रेड का जो इनपुट है वो दूसरी थ्रेड पे डिपेंडेंट करे और दूसरी थ्रेड का तीसरी पे, तो उसके केस में तो आपकी जब एक थ्रेड कंप्लीट होगी तभी दूसरी थ्रेड चलेगी। पर अगर आपका प्रोग्राम इस तरह की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें थ्रेड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली रन हो सकती हैं, तो आपका ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट हो, वो डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली फ्रीली रन हो सकती हैं। क्लियर है? बट सर अगर फ्री रन होती है तो सर इसमें तो लेटेंसी बढ़ जाएगी ना, वो तो सब आपको हैंडल करना पड़ेगा ना फिर थ्रेड में। ओके सर, मतलब आप थ्रेड जब पढ़ोगे तो सिर्फ थ्रेड क्रिएट करना इज नॉट योर पार्ट ना, फिर आपको उसके हिसाब से उसकी हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी। अच्छा हैंडलिंग में हो, ठीक है सर। हाँ हाँ, अभी तो आप जस्ट थ्रेड पढ़ रहे हो, थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन पार्ट भी आएगा और फिर वो आपका जावा का आपका सिस्टम जो है वो खुद ही अपने आप हैंडल करना शुरू कर देता है। ओके सर, गुड इनफ। यस सर, इसके अलावा किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। थ्रेड डिस्कस हमने करी है अभी तक, थ्रेड और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया है, थ्रेड क्या होती है ये बता दिया है, कहाँ यूज होती है आपको ये चीजें बता दी हैं। इसके अलावा किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं है? ओके, अब आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। थ्रेड लाइफ साइकिल, थ्रेड लाइफ साइकिल मतलब जब सबसे पहले स्टार्टिंग क्या केस होगा, आप एक थ्रेड क्रिएट करोगे, तो न्यू थ्रेड मतलब आपने थ्रेड क्रिएट की, आपने कोई थ्रेड क्रिएट की हुई है तो ये आपकी क्रिएशन ऑफ थ्रेड कहलाता है। फिर आप एक फंक्शन को कॉल करते हो स्टार्ट, स्टार्ट से क्या होता है आपकी थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। रनेबल एक इंटरफेस है जावा में, रनेबल नाम का एक इंटरफेस है जो कि पहले से बना हुआ है, जिसमें एक स्टार्ट नाम का फंक्शन है, उस फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ता कॉल कर, रन नाम का फंक्शन है रनेबल में, रन नाम का फंक्शन है जिसे आप कॉल करते हो फॉर एग्जीक्यूशन रनिंग ऑफ थ्रेड। जब स्टार्ट करते हो तो वो वेटिंग एरिया में चली गई, या आप ये कह सकते हो स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद जब आप रन को कॉल, स्टार्ट अपने आप ही रन को कॉल करता है और वो रनिंग स्टेट पर चले जाता है। रनिंग के बाद दो चीजें हैं, या तो आपकी थ्रेड कंप्लीट हो जाएगी, रन अगर आपकी कोई थ्रेड कर रही है तो कंप्लीट होने के बाद वो एंड ऑफ एग्जीक्यूशन कर देगा, जब कंप्लीट होगा एंड ऑफ एग्जीक्यूशन डेड खत्म। दूसरा केस क्या हो सकता है, किसी वजह से आपकी थ्रेड वेट कर रही है, जैसे आपने इनपुट नहीं दिया तो इनपुट के लिए वो वेट कर रही है, या आपकी कोई पहली थ्रेड रन हो रही है उसके बेस पे आपकी दूसरी थ्रेड रन हो रही है तो वो उसका वेट कर रही है। वेट और स्लीप दो मेथड्स हैं, हमने स्लीप मेथड डिस्कस किया था। वेटिंग में आप कब जाओगे, या तो स्लीप मेथड के थ्रू जाओगे या वेट के थ्रू जाओगे, दो मेथड्स हमारे पास थ्रेड में अवेलेबल है। एक है स्लीप, जिसका यूज करके हम अपनी प्रोसेस को या अपनी थ्रेड को कहो थ्रेड को स्लीप मोड में डाल देते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम बीइंग, हम एक टाइम बता देते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी जो थ्रेड है वो स्लीप वेट करने चली जाती है, और जैसे वो टाइम खत्म होता है वो वापस रिज्यूम कर देती है, रन करना शुरू कर देती है। ऐसी वेट मेथड है आपका, ये आपकी थ्रेड को उठा के वेटिंग में डाल देता है और जब तक वेट करता रहेगा, जब तक आप इसे दोबारा इन्वोक नहीं करोगे, दोबारा कॉल नहीं करोगे फॉर रिज्यूम देयर एग्जीक्यूशन। क्लियर है? किसी को डाउट है इन थ्रेड की लाइफ साइकिल में? न्यू, रनेबल, रनिंग, वेटिंग, डेड।
सर एक बार सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए सर, थोड़ी हाँ कंफ्यूजन बोलिए। न्यू से देखो आपकी थ्रेड क्रिएट हो गई, राइट। न्यू में यस आपकी सर। एक नई थ्रेड क्रिएट होती है, क्रिएट होने के बाद वो रनेबल मोड में जाती है, स्टार्ट फंक्शन कॉल करते हो तो वो रन होनी शुरू हो जाती है, रन के बाद हम रन नाम का फंक्शन कॉल करते हैं तो वो रनिंग मोड पे चली जाती है, मतलब उसका पार्ट, उसका कोडिंग पार्ट जो है वो रन होना शुरू हो जाता है। अब एक केस ये आता है, या तो आपने थ्रेड को रन होने दिया और रन होने के बाद थ्रेड का काम खत्म हो गया तो वो डेड हो जाएगी, तो एंड ऑफ एग्जीक्यूशन जब आपने कंप्लीट कर लिया तो वो थ्रेड खत्म हो गई। जरूरी थोड़ी आपने फाइव थ्रेड स्टार्ट किए तो फाइव थ्रेड की थ्रेड रन होती रहेंगी, जो जो थ्रेड कंप्लीट होती जाएंगी वो थ्रेड एंड होती जाएंगी, ठीक है। पर हो सकता है आपकी कुछ ऐसी थ्रेड है जो किसी और थ्रेड के कंप्लीट होने का वेट कर रही है, तो वेट की वजह से वो वेटिंग में चली जाएंगी। दो स्टेट होते हैं वेटिंग, वेटिंग से आप रिज्यूम भी कर सकते हो वापस और डेड पे भी जा सकते हो, वेट के बाद जरूरी नहीं है। जैसे स्लीप, यहाँ पे आपके एक्चुअली दो एरो लगने चाहिए, ये एक एरो लगा रखा है पर यहाँ दो एरोज है, तो स्लीप और वापस रनिंग, और हो सकता है वेटिंग, आपने वेट ही इतना बड़ा रह दिया कि उसके बाद वो डेड एंड पे चली गई। जरूरी नहीं है कि आपका वेट से रिज्यूम भी हो, आपने प्रोग्राम बीच में किसी वजह से इंटरप्ट कर दिया, आपने शट डाउन कर दिया। जैसे आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बात करूं तो वो एक थ्रेड पे रन हो रहा है, राइट, मल्टीपल थ्रेड्स रन कर रहा है, क्या वो अपने आप कभी खत्म होता है? नहीं, आप शट डाउन करते हो ना। अगर आप बीच में शट डाउन कर देते हो तो मल्टीपल प्रोग्राम जो कि रन हो रहे होते हैं तो बताता है ना कि ये प्रोग्राम अभी सेव नहीं हुए हैं, आपने फोर्सफुली शट डाउन किया है, आपने पावर कट कर दिए, तो वो डायरेक्ट डेड हो जाते हैं। हो सकता है रनिंग में ही है, कंप्लीट नहीं हुआ पर डायरेक्ट डेड हो गए, क्योंकि पूरा प्रोग्राम ही डेड हो गया सीधा। तो दीज आर इंटरप्शन, जो हमने कहा था इंटरप्ट होता है ना, एक्सेप्शन में पढ़ा था हमने इंटरप्ट। तो स्लीप और वेट, ये दोनों ही मेथड आपके इंटरप्टेड एक्सेप्शन जनरेट करते हैं। क्लियर है? गुड इनफ? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। किसी को भी डाउट है तो पूछिए यहां तक। आज हम थ्रेड की सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्रेड की थ्योरी के बाद हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट आएगा। These are your states, जो आप define कर रहे हो thread के बारे में, जो हम बोल रहे हैं इतनी देर से। एक काम कीजिए हिमांशु, आप जैसे न्यू थ्रेड को रीड किए, न्यू स्टेट में होता कैसे, पढ़ गए, विजिबल है आप लोगों को, राइट, स्क्रीन तो दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, इसे रीड कर दो एक बार। A new thread begins its life cycle in the new state. It remains in this state until the program starts the thread. It is also referred to as a born thread. देखिए, thread का create करना, it's not about कि वो run होनी शुरू हो गई। Start वाला part, जब तक start function call नहीं होगा तब तक thread सिर्फ wait करती रहेगी आपके new state में। New state मतलब जस्ट thread आपने create कर दी है, wait कर दिया अभी। Okay? Then second phase runnable. Runnable, अंकुर आप रीड आउट करिए। After a newly born thread started, the thread becomes runnable. A thread in this state is considered to be executing its task. ठीक है, runnable का काम क्या होता है कि भाई रन करना। Basically, जब आप runnable state में पहुंच जाते हो तो इसका मतलब पार्ट है जो आपने मेथड डिफाइन किया है रन के अंदर कि आपका क्या कोड होगा, वो रन होना, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। वेटिंग वाली पे आ जाइए। वेटिंग, अंकुर आप ही पढ़ो। Sometimes a thread transitions to the waiting state while the thread waits for another thread to perform a task. A thread transitions back to the runnable state only when another thread signals the waiting thread to continue executing. बात समझ में? ये तो वही चीज मैंने बताई कि मान लीजिए आपके पास दो थ्रेड्स हैं, अब ये थ्रेड रन कर रही है तो एक साथ दोनों तो करेंगे नहीं, तो ये वेट कर रही होगी, ये वेटिंग पे है, ये एग्जीक्यूशन में है, ये वेटिंग पे है। अब इसे मैंने किसी वजह से वेट पे डाल दिया, यहाँ पे मैंने स्लीप फंक्शन कॉल कर दिया फॉर 1000 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, तो उस वक्त क्या होगा कि ये वाली थ्रेड रन होनी चाहिए, जो वेटिंग वाली है वो एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे एक सेकंड खत्म होगा तो ये रिज्यूम होगी तो ये वेट पे चली जाएगी, फिर ये वाली थ्रेड रन होनी शुरू हो जाएगी। तो
तो वो चीज जो ट्रांजिशन है वो आप बात करो कि एक थ्रेड रन हो रही है देन दूसरी थ्रेड रन हो रही है देन वन थ्रेड देन वन अप. ये हम जब प्रोग्राम देखेंगे तो और हमारा ये क्लियर होगा वेटिंग कैसे होती है जब मल्टीपल थ्रेड होता है. तो इसके बाद टाइम्ड वेटिंग जरा पढ़ो इसे. हिमांशु आप पढ़िए. शिवम आप पढ़ो. शिवम वर्मा. टाइम वेटिंग. आर अनेबल थ्रेड कैन एंटर द टाइम्ड वेटिंग स्टेट फॉर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ अ टाइम ऑफ टाइम. अ थ्रेड इन दिस स्टेट ट्रांजिशन बैक टू द रनेबल स्टेट व्हेन द व्हेन दैट टाइम इंटरवल एक्सपायर्स और व्हेन द इवेंट इट इज वेटिंग फॉर ऑकर्स. शिवम इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? हैं शिवम? सर एक मिनट. ओके नहीं पता. चलिए कोई बात नहीं. युक्ता आप बताइए टाइम वेटिंग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सर स्लीप थ्रेड स्लीप. हाँ लिखा हुआ तो है स्लीप मेथड. ये क्या करता है? yes, आपकी प्रोसेस को एक टाइम पीरियड के लिए. हाँ बोलिए सर. हम पूछ रहे थे कि हमें दो तरह के वो चाहिए इंटरवल टाइम चाहिए मतलब वेटिंग का भी और टाइमिंग का भी. तो क्या वो भी पॉसिबल है? मतलब हमें एक मिनट के लिए उसको टाइमिंग स्लीप करना है फिर उसके बाद एक नई थ्रेड आएगी मतलब एक नया वो आएगा थ्रेड आएगी उसके जरिए फिर वो एग्जीक्यूट होगा. तो इस तरह भी कर सकते हैं सर? हाँ ठीक है. क्यों शिवम? स्लीप मेथड हम इतनी देर से यही तो डिस्कस कर रहे हैं. फॉर टाइम बीइंग आपका प्रोसेस जो है या जो आपका थ्रेड है वो स्लीप हो जाता है. नहीं नहीं वर्मा. हाँ हाँ सर. मैं ना एक्चुअली जब आप ये बता रहे थे मैं उस टाइम था नहीं क्लास में. वो कुछ ना प्रॉब्लम है तो फिर उसके चक्कर में था तो तभी नहीं बता पाया. चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं. सर वेटिंग और टाइम वेटिंग में कुछ डिफरेंस है क्या? वेटिंग में आप जब तक वेट में चले जाते हो जब तक दूसरी ट्रांजिशन दूसरी थ्रेड आपको बुलाती नहीं वापस. मान लो मैं हूं मैं अभी पढ़ रहा हूँ कुछ रीड आउट कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो जब तक मैं आपको बीच में बोलना अलाउड नहीं करता पर जब मैं खत्म कर देता हूं तब मैं पूछता हूं एनी डाउट तब आपको पूछना है. राइट दैट इज योर वेटिंग प्रोसेस. तो जब तक आपको अगर डाउट आएगा तब भी आप वेट करेंगे अंटिल जब तक मैं आपको रिज्यूम नहीं करता कि आप लोग अब बोल सकते हो. ओके तो थ्रेड में भी यही केस होता है कि अगर एक प्रोसेस रन हो रही है या एक थ्रेड रन हो रहा है और ये यहाँ पे वेट करके अब आपकी दूसरी थ्रेड को रन करना एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो वेटिंग है. तो जब तक इसने अपने आप को वेट पे डाल दिया तो ये प्रोसेस जब तक रन होगी या तो खत्म हो जाए तो ये रिज्यूम होगी नहीं तो ये वेट ही करती रहेगी अंटिल जब तक ये सिर्फ कॉल वापस नहीं करता. और टाइम वेट में आपने टाइम पीरियड के लिए मैंने बोला एक मिनट बाद आप पूछ सकते हैं तो ठीक एक मिनट बाद आप पूछ सकते हैं जैसे ही टाइम खत्म होगा यू कैन यू आर रिज्यूम. क्लियर है? यस सर. एनीथिंग एल्स इससे रिलेटेड? इसमें कोई डाउट है किसी को? देन टर्मिनेटेड में आदित्य आप पढ़िए टर्मिनेटेड. An unable thread enters the terminated state when it completes its task or otherwise terminates. ये क्लियर है? किसी वजह से आपने टर्मिनेट कर दी है कोई रीजन से आपने आपको लगा है एक्सप्लिसिटली आप टर्मिनेट कर रहे हो थ्रेड को या वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी है तब टर्मिनेट हो रही है तो दैट इज योर डेड एंड. तो इसके बाद आपकी थ्रेड खत्म हो जाती है. दिस इज ऑल अबाउट योर थ्रेड लाइफ साइकिल. इसमें कोई डाउट है किसी को? सर हाँ बोलिए. सर इसके लिए स्पेसिफिक सिंटैक्स ही होगा ना जो हमें समझाएगा कि हमें पहले स्लीप करना है या फिर वेट करना है या फिर हमें पहले वेट करना है फिर स्लीप करना है और फिर एक नया थ्रेड आएगा उसके हिसाब से होगा. हाँ फंक्शंस होंगे आप पढ़ेंगे पूरा. ओके सर. नहीं सर हमने सोचा कि अभी अलग अलग वो होंगे. नहीं 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 हर किसी का एक प्रोसेस होगा मतलब आपके पास थ्रेड कैसे क्रिएट करोगे मतलब आपके ना, दो तरह के सिचुएशंस है तो इसमें मल्टीपल वो निकल सकते हैं ना सिनेरियोस कि पहले स्लीप हो सकता है फिर वेट हो सकता है. तो फिर... यस सर. मतलब जो भी आपका क्वेश्चन होगा जो आपका सिंक्रोनाइजेशन होगा
उस क्वेश्चन में आपको बताया होगा ना आप क्यों वेट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, सिचुएशंस होंगी तभी तो आप वेट लगाओगे, राइट? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं थ्रेड की। थ्रेड दो तरह से इंप्लीमेंट होती है जावा में। थ्रेड एक क्लास है। अब स्पेसिफिकली जावा में बात कर रहे हैं, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। थ्रेड आपकी क्या है? क्लास है। थ्रेड आप क्रिएट करते हो यूजिंग दिस क्लास। ये दो तरह से होता है, एक यूजिंग थ्रेड क्लास, दूसरा पार्ट होता है यूजिंग रनेबल इंटरफेस। जब आप एक प्रोग्राम रन करते हो तो उसके अंदर कितनी थ्रेड्स होती हैं? अभी तक आपने जो प्रोग्राम्स रन किए हैं एटलीस्ट जावा में, उनमें कितनी थ्रेड्स थी शिवम पांडे सर? अभी तो वन थ्रेड चल रही थी। वन थ्रेड चल रही थी तो बाय डिफॉल्ट वो वन थ्रेड का नाम होता है मेन थ्रेड, ठीक है? मेन थ्रेड के साथ आप एक टर्म यूज करते हो प्रायोरिटी। थ्रेड की प्रायोरिटी आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो, सेट प्रायोरिटी। और get priority, these are basic functions। ये आपकी किसी भी thread की priorities को access कर सकते हैं कि भाई आपकी जो thread है उसकी priority है क्या, और आप उस priority को set भी कर सकते हो। अगर दो program run हो रहे हैं या एक ही program run हो रहा है, उस program के अंदर आपके पास एक thread है जो आप चाहते हो पहले run हो और दूसरी thread आप चाहते हो बाद में run हो, तो आप priority set कर दीजिए first thread की, तो वो पहले रन होगी इन कंपैरिजन ऑफ सेकंड प्रायोरिटी, ओके? और जब दो थ्रेड्स होती हैं और दोनों थ्रेड्स की आपका प्रायोरिटी सेम होती है तो सीपीयू डिसाइड करता है किसको आपको इन्वोक करना है। अगर आपने इंडिपेंडेंटली रन कर दी दो थ्रेड्स तो सीपीयू विल बी डिसाइड कि वो पहले कौन सी पिक करेगा और कौन सी एंड करेगा। यू डोंट हैव ऑप्शंस, तो इसलिए CPU टू CPU आपके आउटपुट्स वेरी करेंगे। जैसे जब हम प्रोग्राम्स देखेंगे इनके, कल हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी देखेंगे, तो प्रैक्टिकल पार्ट में हम थ्रेड क्रिएट करना शुरू करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि आप सबके आउटपुट अलग आ सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम आए, अलग अलग आएंगे, किसी का कुछ आएगा किसी का कुछ आएगा। तो कल आप लोग एटलीस्ट सिस्टम से लॉग इन कीजिएगा, तो जब आप सिस्टम से लॉग इन करेंगे तो उससे आपको बेटर आउटकम मिलेगा, ताकि आप रन कर पाएंगे। मैं आपको कोड सेंड करूंगा, आप रन करेंगे, रन करने के बाद पैरेलली, क्योंकि कल तो प्रैक्टिकल भी है, तो कल हम कल होगी क्लास मैम? मैम कल क्लास होगी? कल ईद है, ऑफिशियल तो कल ही है, आई डोंट नो, अगर नहीं होगी तो हाँ, तो अगर कल क्लास होती है तो कल वी विल डिस्कस, और अगर कल नहीं होती है परसों होती है तो परसों वी विल डिस्कस, ओके? अभी तो हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग का पार्ट आज नहीं स्टार्ट करेंगे, पर आप लोग एटलीस्ट इस सेशन में जरूर रहिएगा सबके सब जितने भी अवेलेबल हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि अभी डिस्कशन हमारा चल रहा था, अगर पेपर बनता है तो इसमें कम से कम मैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन रखूंगा, एक दो क्वेश्चन रखूंगा, आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि आई थिंक पेपर इस बार वैसे ही होंगे जैसे पिछली बार हुए थे। अभी तक कंफर्म नहीं है पर सिनारियो कुछ ऐसा ही चल रहा है। ओके, चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार। यू आर आस्किंग समथिंग? आपकी आवाज कट रही थी। अभी मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। अगर कल की छुट्टी होगी तो हम, मैंने यही बोला था यार, कल की छुट्टी होगी तो परसों क्लास लेंगे, परसों की छुट्टी होगी तो कल लेंगे, ओके? बाकी आप अटेंड जरूर कीजिएगा, ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है,
जब भी होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग मैंने कहा ये 3 to 4 क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट करण है नहीं, और जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं और जिनकी अटेंडेंस कम है, मैं बता रहा हूं 50% से अगर कम है तो आपका पेपर चेक नहीं होगा. मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी तक आपका हुआ भी नहीं है. जिन स्टूडेंट्स की 50% आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा. जसकरण नहीं है, ओके, तो उसे बता दीजिए आप लोग, आपका फ्रेंड होगा. यश? यस सर. हेलो. अमन? प्रेजेंट सर. सर प्रेजेंट. सर यश प्रेजेंट. हाँ हाँ बोल दिया यश, आवाज आ गई मुझे. संदीप? यस सर. सर अमन की लग गई अटेंडेंस. हाँ अमन आपने भी बोला है तो लगेगी. ठीक. चारू? चारू चारू भी नहीं आ रही है. अंकुर? यस सर. अनुराग है? अनुराग आ गया. प्रेजेंट सर. गुड. दीप्ति? प्रेजेंट सर. गुड. हार्दिक? हार्दिक हार्दिक नहीं आया. हिमांशु? प्रेजेंट सर. समीर? हेलो सर. हाँ पांडे जी लगा दिए. थैंक यू सर. समीर नहीं है. अनुज? प्रेजेंट सर. सात्विक? प्रेजेंट सर. सूरज? सूरज ऋतिक? ऋतिक क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो गया उसे? शुरुआत में आ रहा था फिर बीच में तो कुछ हो गया था, बीमार था वो, अभी नहीं आ रहा. किसी की बात है ऋतिक से? आरती? चलिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे. हेलो सर. उधर नहीं आ रहा है. हेलो सर.